अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ अहमद फ्रॉम एबीएस टेक। और यार आज बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं फाइनली LG G3 का रिव्यू जो है वो आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ। और इस ये फ़ोन जबकि काफ़ी पुराना है, लेकिन जितना एक मैं आप लोगों के कमेंट से मुझे पता लगा वो ये है कि अभी तक काफ़ी लोग इस फ़ोन को अपने डेली फ़ोन के तौर पर यूज़ करें या फिर इसको एज़ आ रूट फ़ोन के तौर पर काफ़ी लोगों ने रखा हुआ है। तो इसलिए हम इसके ज़रा आज देखने जा रहे हैं कि काफ़ी लोगों का अभी तक मेन डिवाइस जो कि LG G3 है वो कैसा चल रहा है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फ्यूचर में मेरी और ऐसी वीडियोस मिलती रहें। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे ज़्यादा जो आप में से इस फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादातर LG के फ़ैन्स हैं, और आज तक ये एक बजट फ़ोन जो है, बजट फ़ोन के लिहाज से अगर आप इसको आज के दिनों में देखें तो अभी भी एक काफ़ी सूटेबल फ़ोन है, काफ़ी रिस्पेक्टेबल इसकी स्पेक्स हैं। अगर आप इसकी सबसे पहले हम इसकी तरह ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की तरफ आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे सबसे पहले प्लास्टिक की बैक देखने को मिल जाएगी, जिसके साथ आपको एक ग्लास का फ्रंट देखने को मिलेगा। एक ग्लास की स्क्रीन है, ना कि पुराने बजट फ़ोन्स की तरह प्लास्टिक की स्क्रीन है। ये फ़ोन आपको अराउंड अबाउट 6000 रुपये में देखने को मिल जाता है, तो इस प्राइस के अंदर ये चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं। बैक पे आपको आपके वॉल्यूम बटन और पावर बटन देखने को मिल जाते हैं, भी एक बहुत पुरानी LG वाली चीज़ है जिसके अंदर आपको वॉल्यूम बटन बैक पे देखने को मिल जाते थे। लेकिन मेरे ओपिनियन के अंदर ये सबसे ज़्यादा अर्गोनॉमिक थी और ये सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका था कहीं पे भी वॉल्यूम बटन रखने का। अनफॉर्चुनेटली अब इसको LG ने भी ख़त्म कर दिया, तो अब आप काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि एक पुराना स्टाइल है। तो अगर आप में से काफ़ी लोग इसे शायद प्रेफर ना करें क्योंकि इसे स्क्रीनशॉट लेना भी मुश्किल है, लेकिन ओवरऑल मेरे ओपिनियन के अंदर एक ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब अगर आप आगे आ जाएं ओवरऑल इसकी स्पेक्स की तरफ, तो इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 801 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर आपको 3 GB की रैम और 32 GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। अब आप में से काफ़ी लोग कहेंगे कि ये अभी तक 2020 के मिड रेंज और लो बजट डिवाइसेस से भी ज़्यादा स्पेक्स आपको प्रोवाइड कर रही है। ये बात काफ़ी हद तक ठीक है, यानी कि रैम भी और स्टोरेज भी आपको सेम देखने को मिल जाती है। लेकिन जब आप प्रोसेसर की तरफ देखते हैं तो 801 जो प्रोसेसर है ये काफ़ी पुराना प्रोसेसर है, इसके अंदर काफ़ी फ़ीचर्स मिसिंग हैं, जैसे कि फास्ट चार्जिंग और इस तरह के काफ़ी फ़ीचर्स इसके अंदर डिसेबल्ड हैं। और इस लिहाज से अगर आप इसको देखें तो ये काफ़ी एक पुराना प्रोसेसर है, और आप में से जो लोग भी गेमिंग वगैरह के लिए इस डिवाइस को लेना चाह रहे हैं मैं उनको ये रिकमेंड नहीं करूँगा। आप में से अगर कोई अपने बच्चों, घर के बच्चों के वगैरह के लिए या छोटे सिबलिंग्स के लिए फ़ोन लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए ठीक है, स्लाइड गेमिंग ये आपकी कर जाएगा, लेकिन कभी भी PUBG वगैरह जैसी गेमें, अब ये डिवाइस ऐसी गेमों के लिए कैपेबल नहीं है। आप आ जाएँ इसके मेन पॉइंट की तरफ, जिसके लिए आज तक आप लोग काफ़ी इसको यूज़ कर रहे हैं, तो वो है जनरली इसकी सॉफ्टवेयर सपोर्ट। तो इसके ऊपर लास्ट सॉफ्टवेयर अपडेट एंड्रॉयड 6.0 की आई थी, जिसके बाद इसके ऊपर और सॉफ्टवेयर अपडेट्स इतनी नहीं आई, लेकिन ओवरऑल जो इसकी G3 की रूट कम्युनिटी है वो बहुत अच्छी है। आपको G3 के लिए आज तक एंड्रॉयड 10 तक की सॉफ्टवेयर अपडेट्स देखने को मिल जाएंगी अगर आप अपने फ़ोन को रूट करने को तैयार हैं। और LG G3 उन मॉडल्स में से है जिसको रूट करना इंतहाई आसान है, और आप इसको जैसे मर्जी रूट करें। अब बात कर लें ज़रा कैमरे की ही, तो कैमरे के अंदर आपको बैक साइड पर एक 13 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसके साथ आपको एक डुअल फ्लैश और लेज़र ऑटो फोकस देखने को मिल जाता है। ये कैमरा OIS सपोर्टेड, और फ्रंट पे आपको 2 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है। अगर हम बात कर लें बैक कैमराज की, तो बैक कैमरा की, तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि इसके अंदर ना कोई पोर्ट्रेट मोड है, ना इसके अंदर कोई नए फीचर्स हैं इस तरह के। और OIS की बात कर लें तो OIS एक अच्छा फ़ीचर है, लेकिन वो भी इसका जो नए फ़ोन हैं उनकी EIS जितना इफ़ेक्टिव नहीं है। तो ओवरऑल इसके कैमरा की बात कर ले तो इसका कैमरा काफ़ी एवरेज है आजकल के लिहाज के, मिड रेंज फ़ोन से भी मे बी थोड़ा सा लो हो, लेकिन जब आप इसकी प्राइस देखते हैं 6 से 7000 के अंदर ये डिवाइस आपको अब रिफर्बिश देखने को मिल जाता है, तो उस लिहाज से बिल्कुल चीज़ है। एक चीज़ जो इसकी बहुत बुरी है वो है इसका फ्रंट कैमरा। तो फ्रंट कैमरा जब आप बात करते हैं 2 MP की, तो ये उस वक्त का फ़ोन है जिस वक्त इधर LG के फ्रंट कैमराज इंतहाई गंदे होते थे, जिनको इन्होंने G4 और G5 के अंदर फिक्स किया था और V20 के अंदर फिर ख़राब कर दिया था। तो इस लिहाज से आप देखें तो इसका कैमरा फ्रंट कैमरा इंतहाई गंदा है, यानी इस हद तक मैं कहना चाहूँगा कि इसका फ्रंट कैमरा अनयूज़ेबल
की हद तक बुरा है। वीडियो कॉल्स वगैरह के लिए ठीक रहेगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप बात कर लें कैमरा क्वालिटी की, तो आप इसकी सेल्फी में भी इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करना ना पसंद करें। अब बात कर लेते हैं बैटरी लाइफ की, तो बैटरी लाइफ आपको पता है इस टाइम के LG के फ़ोन्स की इतनी अच्छी नहीं होती थी, और सेम स्टोरी G3 की भी है। G3 की बैटरी लाइफ इंतहाई बुरी है, अगर इसको जल्दी जल्दी सम अप करें तो इसकी बैटरी लाइफ इंतहाई बुरी है। आपको सिर्फ 2 से 2.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल जाता है लगातार हैवी यूजेज के साथ, जो कि आजकल के अंदर आप देखें तो इंतहाई बुरा है। और आपको अगर बैटरी लाइफ चाहिए तो आपको ये फ़ोन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ओवरऑल कंक्लूजन की बात कर लें तो यार G3 आज के दिनों के अंदर इतना अच्छा फ्लैगशिप डिवाइस नहीं है, मे बी इवन मिड रेंज डिवाइस भी ना हो। लेकिन आप में से जो लोग अपने सिबलिंग्स या छोटे बच्चों के लिए फ़ोन लेना चाह रहे हैं, जिन्होंने स्लाइड हल्की फुल्की गेमिंग करनी है, या आप लोग रूटिंग वगैरह के लिए फ़ोन लेना चाह रहे हैं यानी अपना रूट करके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह करनी है, तो फिर ये फ़ोन बहुत अच्छा है। अगर आपने बिल्कुल इस पर कोई टेस्टिंग वगैरह करनी है, अपने रूटिंग स्टार्ट करनी है, आपने इसके ऊपर कोडिंग करनी है, आपने इसके ऊपर लिनक्स चलानी है, इन जैसे के लिए ये फ़ोन बहुत अच्छा है और मैं इसको रिकमेंड करूँगा। 6 से 7 हज़ार रुपये के अंदर पाकिस्तानी प्राइसिंग के अंदर आपको ये फ़ोन देखने को मिल जाता है। जो मेरे इंडियन व्यूअर्स हैं उनको शायद ये फ़ोन इससे भी सस्ते में देखने को मिल जाए। बस ये देख लीजिएगा कि आप बिना हीटिंग इशू वाला लें फ़ोन, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी फ़ोन के अंदर हीटिंग इशूज़ भी थे। जो अब मेरे वाला ये करंट वाला डिवाइस है, ये भी करंटली हीटिंग की वजह से डेड हो गया। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको फ्यूचर में ऐसी और वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।